तो हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे अपने कंप्यूटर को रीअसेंबल। तो बन रही है हमारे साथ हमारे इस छोटे चैनल तो हैशटैग पे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को लाइक कर देना। मेरा नाम है हर्ष कुमार। तो चलिए दोस्तों, पहले हम सेट करते हैं मदरबोर्ड को। तो हमारे पास ये मदरबोर्ड आ चुका है, तो हम इस मदरबोर्ड को सेट करते हैं। तो सेट करने से पहले ये हम देख लेते हैं कि हमारा पोर्ट ये बाहर की तरफ किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो चलिए सेट कर लेते हैं। ये देख लेना होगा कि हमारा जो मतलब सभी अरेंजमेंट सही से हो गया है कि नहीं हो गया है, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो पूरा सेट करेंगे अच्छे से, इसको स्क्रू लगाते रहेंगे, नहीं तो वो खुलता ही रहेगा पूरे साथ। तो स्क्रू लगा लेते हैं। हमारा मदरबोर्ड सेट हो चुका है। अब मदरबोर्ड के ऊपर का हम फैन यूज करेंगे, फैन लगाएंगे जिसके ऊपर फैन होता है हमारा। तो चलिए फैन को लेकर आते हैं। दोस्तों मैं फैन लेके आ चुका हूँ, अब हम करेंगे फैन को यहाँ पे सेटअप। चलिए शुरू। करें कि ये खुले ना, देख सकते हैं ये हिल रहा है। तो इसके वायर को हम बाद में भी कनेक्ट करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब हम लगाएंगे SMPS। तो चलिए SMPS को दोस्तों, ये आ गया हमारा SMPS। तो करते हैं उसको सेटअप। तो चलिए इसको पहले आप ये देख लें कि ये सही से सही डायरेक्शन में हो, नहीं तो इसका मतलब काम नहीं होगा, मतलब डायरेक्शन सही नहीं होगा तो उसके वोल्ट वगैरह सही से नहीं आएंगे। तो इसको कर लेते हैं सेटअप। दोस्तों ये लग गया हमारा SMPS। अब हम लेके आते हैं हमारा हार्ड डिस्क। दोस्तों ये आ गया हमारा हार्ड डिस्क, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसको करते हैं सेटअप। हम लाएंगे अपना फ्लॉपी डिस्क रीडर और कॉम्पैक्ट डिस्क रीडर दोनों। चलिए लगाते हैं। तो दोस्तों ये आ गया हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क रीडर, अब इसको हम सेट करेंगे। इसको दोस्तों हमेशा सामने से सेट करें, अंदर से ये मतलब आप देख सकते हैं ये एडजस्ट नहीं हुआ, ये बाहर से लगी है। और ये भी चेक कर लें कि ये सीधा है कि उल्टा है, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो सीधा हम ऐसे करके डाल दें और यहाँ से आप यहाँ पे देख लें कहाँ पे हमारा वो आ रहा है स्क्रू।
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये आ चुका है। अब इसको हम यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि ये मतलब इसके होल्स मतलब एक जगह पे आ चुके हैं, और इसको हम स्क्रू से टाइट कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये भी टाइट हो चुका है। अब हम करते हैं कनेक्शन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम जो मेन सप्लाई है उसको हम देंगे। तो आपको मैंने बताया था कि मेन सप्लाई इसका यहाँ जाता है। मेन सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है मेन सप्लाई कनेक्ट। और बात करते हैं इस पंखे की, तो इस पंखे को हम यहाँ पे यहीं पे इसका स्लॉट है। अब हम सप्लाई को हम इधर देंगे। आप देख सकते हैं सप्लाई इधर जाता है, ये भी कनेक्ट हो गया है। वो मदरबोर्ड और उसका मतलब मदरबोर्ड कह रहा हूँ हार्ड डिस्क वगैरह को सप्लाई दे देते हैं। ये हम यहाँ से हार्ड डिस्क को सप्लाई दे देते हैं, और यहाँ से हम दे देते हैं अपने कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ये देख लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा कि इसमें कोई पावर न जाए। अब हम रैम को भी फिक्स कर लेते हैं, तो चलिए रैम लेके आते हैं। रैम अब हम करते हैं रैम फिक्स। दोस्तों ये था हमारा पूरा सेटअप का वीडियो, मैंने पूरे से रिसेंबल कर दिया पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ना यार। और अगली वीडियो के लिए आप हमारा वेट कीजिए। अगली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो आपको पता चल जाएगा जब वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।